कोशिश ये कि आज की क्लास में हमारे एटलीस्ट 2 सवाल हो जाए। अगला सवाल हमारे पास यहाँ जो है वो क्या है, वो नवंबर 2010 से रिलेट है। और नवंबर 2010 से रिलेट हमारे पास जो सवाल आया है उसमें हमारे पास सेम तरह की रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है कि हमें पहले एरर्स के नेम आइडेंटिफाई करने हैं, फिर हमें डबल एंट्री बनानी है, और फिर हमें इम्पैक्ट बताना है, अफेक्ट बताना है। किसका किसका इफेक्ट बताना है? हमें इफेक्ट बताना है प्रॉफिट पे। लेकिन पिछले सवाल से इस सवाल में चेंज क्या है? पिछले सवाल में हमने ड्राफ्ट फाइनेंशियल, सॉरी, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर में कोई अमाउंट ऐड की थी, कुछ अमाउंट लेस की थी, फिर जाके हमारा रिवाइज प्रॉफिट आया था। हमें यहाँ पर वो काम नहीं करना। हमें यहाँ पर ये काम करना है कि हमने यहाँ पर जस्ट ये बताना है कि इस गलती को ठीक करने से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सवाल आपके पास यहाँ सामने। जयानी प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस एट 30th September 2010, विच बैलेंस अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट वॉज देन प्रिपेयर्ड एंड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 60,000 एंड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 15,000 वॉज कैलकुलेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया? 60,000 का। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना कैलकुलेट किया? 15,000। अब ये ड्राफ्ट है, इट मीन्स देर आर चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अमाउंट में फ्लक्चुएशन है। अब क्या है? वन, अ सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू 3,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां मेरा एक नॉन करंट एसेट बिक रहा था, मैंने गलती से इसे क्या कंसिडर करवा दिया, मैंने इसे करंट एसेट कंसिडर, मतलब मैंने इसे, अगर मैं कहूँ तो मैंने इसे रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया। यानी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आप बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो है नवंबर, नवंबर 2010, पेपर 22, क्वेश्चन 2। सवाल का नाम है जयानी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सवाल सॉल्व करने पे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी, उस ट्रांजैक्शन पे हमारे से एरर क्या हुआ था? एरर लिख देते हैं, एरर की लिस्ट लिखनी है तो एरर लिख देते हैं। नंबर वन एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने ये कौन सा एरर किया है? ये प्रिंसिपल का एरर किया है। सर कैसे हमने प्रिंसिपल का एरर किया है? वो इस तरीके से हमने किया है कि हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा था, लेकिन हमने इसे रिकॉर्ड कैसे कर दिया? अपना रेवेन्यू। तो नेचर ऑफ अकाउंट में चेंज ले आया। नेचर ऑफ अकाउंट में चेंज लाने को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर हम बात करते हैं टू की। परचेज ऑफ गुड्स 650 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एलाना हैड बीन क्रेडिटेड टू दी परचेज अकाउंट एंड डेबिटेड टू दी अलानाज अकाउंट। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है? एरर ऑफ रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्सल। मैंने अपनी एंट्री को उल्टा कर दिया पूरा। तो मैंने लिखा एरर ऑफ कंप्लीट अब आखिरी एरर पढ़ते हैं। एन इनवॉइस फ्रॉम JGL इंश्योरेंस 425 फॉर बिल्डिंग इंश्योरेंस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, वही इसकी करेक्ट, सॉरी, ओरिजिनल, रॉन्ग और करेक्ट एंट्री बनानी है। आए बनाते हैं यार। तो यहां पर मेरे पास आ गया
ठीक है जी, फॉर्मेट आपके सामने बन गया। सबसे पहले हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओरिजिनली क्या बननी चाहिए थी एंट्री, लेट सपोज हमने कैश पे सेल किया या बैंक पे सेल किया, तो मैंने एंट्री बनानी चाहिए थी बैंक डेबिट, और क्रेडिट पे क्या लिखना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट लिखना चाहिए था। और वैल्यू होनी चाहिए थी 3,000, और यहां भी लिखनी चाहिए थी 3,000। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ बाद में। अभी फिलहाल मैं यहाँ से कॉलम हटा देता हूँ, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। अच्छा, गलत एंट्री क्या बना दी मैंने, गलत एंट्री बना दी बैंक डेबिट 3,000, और मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स, वैल्यू लिख दी 3,000। ठीक है जी, अब मैंने गलती कहाँ की है, क्रेडिट साइड पे। ठीक करने के लिए कहाँ लिखूंगा इस वैल्यू को, सेल्स को डेबिट साइड पे लिखा 3,000, और सेल्स की जगह लिखा हुआ क्या होना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट 3,000। ठीक है जी, ये मैंने 3,000 लिख दिया। अब आई होप कि हमारा फॉर्मेट भी इंशाल्लाह सही बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर काम किया। अच्छा, दूसरा हमारा क्या एरर था, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। क्या एरर था, परचेज डेबिट अनानास क्रेडिट 650। हाँ जी, परचेज 650, 650, लेकिन गलती क्या हो गई मेरे से, गलती हो गई, मैंने लिख दिया अलानाज अकाउंट डेबिट 650 और परचेज क्रेडिट 650। ठीक है जी, मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने ये मिस्टेक कर दी। अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा बेटा, रिवर्सल डबल अमाउंट से। परचेज डेबिट अलानाज अकाउंट 1,300, 1,300 के अमाउंट से मैंने ठीक कर दिया एरर। ठीक है जी, मैंने ये एरर ठीक कर दिया। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट एरर पे अगर हम आते हैं, तो यहां पर हमने हमने यहां पर एंट्री बनानी है इंश्योरेंस, सॉरी बिल्डिंग इंश्योरेंस डेबिट JGL इंश्योरेंस क्रेडिट। हमने एंट्री बनानी है बिल्डिंग इंश्योरेंस 450 डेबिट JGL इंश्योरेंस, सॉरी बेटा, JGL इंश्योरेंस। अब ये एंट्री क्या था, मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया, नो एंट्री, नो एंट्री। क्या एंट्री बनाऊंगा, सेम एंट्री बना दूंगा। और ठीक है जी, यहां पर हमने तीनों एरर्स को ठीक कर लिया, और ये आपके सामने रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने। थोड़ा पीसी जो है मेरा वो स्लो डाउन हो गया, इसलिए थोड़ा सा लैग आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो मैंने लेक्चर है आज की क्लास का, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है,
जैसे ही ये लेक्चर हमारा ख़त्म होगा तो मेरी कोशिश हो कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर मैं ये लेक्चर्स आप लोग तक पहुंचा दूं, ताकि आप बच्चे, अगर मैं 15 मिनट्स में ना पहुंचा सका तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेंड बाय टू नाइट, लेट नाइट, लेकिन मैं आज पहुँचा दूँगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये तमाम चीज़ें बन गई। अब हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रा आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अब जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ लिख रहे हैं। अब अगर आप देखें तो पहली ट्रांजेक्शन की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बड़ा होगा और नेट प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो आप इस वैल्यू को यहाँ से 3,000 को कम कर देंगे और यहाँ से 3,000 को कम कर देंगे। ठीक है जी, इसके बाद जो 650 की अमाउंट आपने जो डबल अमाउंट से सही की है वो भी कहाँ जाएगा इसका इम्पैक्ट? उसका इम्पैक्ट यहाँ जाएगा, 1,300 से यहाँ भी जाएगा और 1,300 से यहाँ भी जाएगा। लेकिन जो आखिरी की एंट्री है 425, उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, उसका जस्ट इफेक्ट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। समझ आ रही है बात कि 3,000 मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि देखिए सेल्स की वैल्यू अगर मैंने गलती से ज़्यादा लिख ली तो उससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में भी जाएगा इम्पैक्ट, नेट प्रॉफिट में। अब मैं जब इसे ठीक करूँ तो मैं दोनों को कम करूँगा। सेम गोज विद परचेजेस, परचेजेस कम रिकॉर्ड कर ली थी तो मेरा प्रॉफिट 650 से बढ़ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। मैंने एक जगह को ठीक किया तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली ठीक होनी चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम किया, नेट प्रॉफिट भी कम किया। लेकिन आखिरी वाली एंट्री ओनली रिलेट्स विद दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का तो ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने 450 का माइनस कराया नेट प्रॉफिट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट करते हैं, 6,000, 60,000 माइनस 4,300, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5,570, और मेरे पास वैल्यू आ गई 15,000, 3,000, 1,300, मेरे पास वैल्यू आ गई 10,275, 10,275। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की अपनी इस क्लास में जो टारगेट लेके चले थे कि करेक्शन ऑफ एरर के पास पेपर को स्टार्ट करेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से हमने दो पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं। यही कंटिन्यू रखूँगा, 10-12 सवाल की प्रैक्टिस हम करेंगे इंशाल्लाह, जिससे हमारा ये टॉपिक ग्रिप में आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर इस क्लास से रिलेट कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो को देखते हुए उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।